हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12वीं म्यूजिक का जो एग्ज़ाम हुआ जानेंगे। म्यूजिक का कौन विषय का? म्यूजिक का जानेंगे, जिसको संगीत कह सकते हो, जो भी कहो, उसका जो एग्ज़ाम हुआ उसका मैं आंसर की लेकर के आ गया हूँ। ठीक है, ये सेट नंबर मेरा आए हैं, आप लोगों का कोई भी सेट हो, आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके और रोक करके आप लोग अपना मिला लीजिएगा, देखिए आप कितना सही होता है। ये सेट आए हैं, ठीक है, कोई भी सेट हो, क्वेश्चन सेम ही रहता है, ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन चेंज रहेगा। बट होता क्या है, एक्चुअली जो क्वेश्चन नंबर थोड़ा सीरियल नंबर में थोड़ा चेंजिंग कर देता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा यानी कि 1 से लेकर 70 तक करवाने वाला हूँ, ऐसा नहीं 10-20 करवा के छोड़ देता हूँ। मैं मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आने का मतलब होता है, थोड़ा इस पर जाँच पड़ताल थोड़ा चेक करता हूँ क्या सही होगा क्या गलत होगा, सो ठीक है। हाँ, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ मेरा 70 का 70 सही होगा, हाँ 70 में मुश्किल से मेरा 2 से 3 क्वेश्चन ऐसा हो, 2 से 3 जो गलत हो जाए, ठीक है, बाकी 67 क्वेश्चन आपको 100% राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला हो जाता है आपका, मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आने था वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। औरव संपूर्ण जाति किस राग के आरोह में कितने स्वर होते हैं, तो क्या होते हैं आपको जानेंगे, सी हो जाएगा, यानी कि 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के ओर चलते हैं, राग भूपाली किस जाति का राग है, राग भूपाली जो है मेरे हिसाब से कल्याण थात का है, परंतु इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, राग भूपाली किस जाति का राग है, मेरे हिसाब से कल्याण थात होगा परंतु इसमें ऑप्शन नहीं है, तो देख सकते हैं आप लोग, आप लोगों को जो लगे, ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राग काफी का गायन समय क्या है, राग काफी का गायन समय क्या है, तो जानेंगे 3 का आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि रात्रि का द्वितीय पहर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की ओर, गीत के दूसरे भाग को क्या कहते हैं, गीत के दूसरे भाग को अंतरा कहते हैं, यानी कि 4 का क्या हो जाएगा आपका आंसर, 4 का आपका हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, दादरा ताल की कितनी मात्रा है, तो 5 का द राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, कितनी है तो 1 है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर, पंडित सियाराम तिवारी किस शैली के गायक थे, तो 6 का आंसर आपका हो जाएगा यानी कि ध्रुपद शैली के। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर, झपताल की दूसरी ताली की मात्रा पर है, तो 7 का आंसर बी हो जाएगा यानी कि 3 मात्रा पर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की ओर, ख्याल गायकी से कौन संबंधित है, ख्याल गायकी से कौन संबंधित है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि आदरंग साधारंग। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, आगरा घराने से कौन संबंधित है, आगरा घराने से आपको फयाज खां है, यानी कि 9 का सी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, संगीत रत्नाकर में कितने अध्याय हैं, तो 10 का आंसर आपका ए हो जाएगा यानी कि 7 है। चलते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, लोक संगीत में निम्न वाद्यों में से किसका प्रयोग होता है, 11 का आंसर आपका क्या हो जाएगा जानेंगे, यानी कि लोक संगीत में निम्न वाद्यों में से किसका प्रयोग होता है, ढोलक का, यानी कि ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, सुशीर वाद्य कौन सा है, यानी कि सुशीर वाद्य कौन सा है, गिटार वायलिन सहनाई, तो 12 का आंसर आपका हो जाएगा सी सहनाई। क्वेश्चन चलते हैं 13 की ओर, ध्रुवपद में कौन सा ताल का प्रयोग होता है, तो 13 का जो अध्ययन के ध्रुवपद में कौन सा ताल का प्रयोग होता है, तो 4 ताल का, 13 का सी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, बिहार का लोक गीत कौन सा है, बिहार का लोक गीत कौन सा है वो आपको बतानी है, तो ए में है रागनी, बी में है मैया, सी में है बिहू, डी में चैता। देखिए आप लोग को मैं ऑप्शन इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे हिसाब से बिहार का लोक जो गीत है आपको क्या है, तो कजरी है, क्या है, बिहार का लोकगीत है कजरी, परंतु इसमें ऑप्शन में दिया ही नहीं है, बिहार का लोकगीत है आपको कजरी, 100% सी हो रही है। इस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है सही से, बिहार का लोकगीत जो है ना क्या है, कजरी है, क्या है, कजरी। और ये 4 को जो ऑप्शन है मैं बता दे रहा हूँ, देखिए ये जो है ना ए में रागिनी, ये रागिनी जो है आपका हरियाणा का लोकगीत है, बी में क्या है महिया, महिया जो है ना आपको पंजाब का लोकगीत है, सी है ना बिहू, ये है असम का लोकगीत है, ये ना चैता, चैता जो है ना आपको, ये चैता कहाँ का है आपको, उत्तर प्रदेश के लोकगीत, तो बताइए आपको ऑप्शन दिया हुआ है क्या, बिहार का दिया ही नहीं है, बिहार का लोकगीत होता है आपको कजरी होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन गलती दिया हुआ है, तो ध्यान देंगे आपको, ध्यान देंगे ये नंबर आप लोग कोई भी बनाए होंगे तो इसका आंसर आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 15 को चलते हैं, सबसे तीव्र लय किसकी है, सबसे तीव्र लय जो है आपको आलाप की है, 15 के ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर, किस राग में ऋषभ गंधार देवत और निषाद कोमल हैं, तो 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे, यानी कि किस राग में ऋषभ गंधार देवत और निषाद कोमल हैं, तो भैरव में,
क्वेश्चन चलते हैं, जानेंगे सोलह नंबर का था, किस राग में ऋषभ गंधार देवहत और निषाद जानेंगे कोमल हैं, तो भैरवी होगा, भैरवन होगा, भैरवी होगा, सोलह के ए होगा। जानेंगे क्वेश्चन नंबर चलते हैं सत्रह पे, नाद के कितने प्रकार हैं, नाद के आपको दो प्रकार हैं, कितने हैं दो प्रकार के, सत्रह के यानी कि बी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन अठारह की ओर, अब अवरुद्ध वाद कौन सा है, तो अठारह का आंसर आपको हो जाएगा बी यानी कि तबला, तो हो जाएगा अठारह का आपको बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन उन्नीस की ओर, आश्रय राग कौन सा है, आश्रय राग कौन सा है, तो आपको कल्याण है, क्या होगा उन्नीस का आपका सी आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन बीस की ओर, जनक राग कौन सा है, जनक राग कौन सा है, भैरव देश खमाज दुर्गा, यानी कि इस पर हमको डाउट है, मैं इसका बता नहीं सकता, आप लोग कमेंट करके बताइए बीस का आंसर क्या हो जाएगा। सो मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं यानी कि बीस का क्या होगा। सो ठीक है, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर यानी कि जनक राग कौन सा है। चलते क्वेश्चन इक्कीस की ओर, स्वरों की कौन सी जोड़ी अचल है, स्वरों की कौन सी जोड़ी अचल है, तो आपका सा यानी कि सा और प जो है अचल है। चलते क्वेश्चन बाईस की ओर, राग भैरव का वादी स्वर क्या है, तो राग भैरव का वादी स्वर क्या है, तो ध यानी कि बाईस का सी द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तेईस पर, राग भूपाली किस थात का राग है, तो तेईस का आपका आंसर हो जाएगा बी यानी कि कल्याणी, क्या हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौबीस की ओर, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, कहरवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आठ होती हैं, कितनी होती हैं आठ, चौबीस का सी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर पच्चीस की ओर, राग यमन का संवादी स्वर क्या है, तो पच्चीस का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नी है, क्या है नी। चलिए क्वेश्चन छब्बीस को चलते हैं, एक सप्तक के अंदर कितनी श्रुतियां होती हैं, तो छब्बीस का आपका आंसर हो जाएगा डी यानी कि बाईस श्रुतियां होती है, कितनी होती हैं बाईस होती हैं, छब्बीस का डी राइट आंसर। चलते क्वेश्चन सत्ताईस की ओर, बिलावल थात के मौ को तीव्र मौ करने पर कौन सा थात बनेगा, तो सत्ताईस का आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी कि बिलावल थात के मौ को तीव्र करने पर क्या बनेगा, कल्याण बनेगा, भैरव बनेगा, भैरवी बनेगा, क्या बनेगा, तो भैरवी बन जाएगा यानी कि सत्ताईस का सी आंसर। चलते क्वेश्चन अट्ठाईस को, तीन ताल में कितने विभाग होते हैं, तीन ताल में कितने विभाग होते हैं, तो आपको चार होते हैं। चलते क्वेश्चन उनतीस को, हिंदुस्तानी संगीत में कितने थात हैं, हिंदुस्तानी संगीत में हैं आपको दस है, उनतीस का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर तीस की ओर, तीव्र मौ का प्रयोग किस राग में होता है, तो तीस का आंसर हो जाएगा यमन में होता है। चलते क्वेश्चन नंबर इकतीस की ओर, रूपक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सात होती हैं, इकतीस का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर बत्तीस है, राग बिलावल का गायन समय क्या होता है, बत्तीस का आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी कि प्रातःकाल यानी कि बत्तीस का बी द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर तैंतीस की ओर, किसी भी ताल की पहली मात्रा कहलाती है, तो तैंतीस का आंसर आपका सी हो जाएगा यानी कि सम कहलाती है, क्या कहलाती है सम। चलते क्वेश्चन नंबर चौंतीस की ओर, तबले में चमड़े से मढ़ा हुआ भाग क्या कहलाती है, तो यानी कि तबले में चमड़े से मढ़ा हुआ भाग कहलाती है, पूरी कहलाती है। चलते क्वेश्चन नंबर पैंतीस की ओर, राग भैरव का गायन समय क्या है, तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ए यानी कि प्रातः काल, राग भैरव का। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न से कौन उपशास्त्रीय संगीत है, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा यानी कि ए ठुमरी, निम्न से कौन उपशास्त्रीय संगीत है, तो ठुमरी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है, संगीत रत्नाकर के लेखक जो है आपको कौन है, तो सारंगदेव है। 37 का क्या हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 37 का ए यानी कि सारंगदेव। चलते हैं क्वेश्चन 38 की ओर, निम्न में से किसे विलंबित ख्याल कहा जाता है, विलंबित ख्याल कहा जाता है, यानी 38 का आंसर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा इनकी बड़ा ख्याल को। चलते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर, किस राग में रे तथा प नहीं लगता है, तो 39 का यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी किस राग में रे तथा प नहीं लगता है, तो माल कौन से में यानी कि सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन चलते हैं 40 की ओर, निम्न से कौन कर्नाटक संगीत की एक शैली है, कर्नाटक संगीत की एक शैली है, तो क्या हो जाएगा यानी कि सी यानी कि तिल्लाना। चलते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर, तीन ताल की किस मात्रा पर दूसरी ताली है, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा यानी पांच। चलते क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, एक मात्रा में दो मात्रा दिखाना क्या कहलाता है, ठा लय दुगुन लय, क्या होगा दुगुन लय। चलते क्वेश्चन नंबर 43 की ओर, किस राग में दोनों मध्य लगते हैं, तो 43 के आपका आंसर हो जाएगा यमन यानी कि 43 का ए द राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर, भैरवी राग में कितने स्वर प्रयुक्त होते हैं, भैरवी राग में जो आपको सात स्वर प्रयुक्त होते हैं यानी कि 44 का आपका क्या हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं, अभिनव राग मंजरी पुस्तक के लेखक कौन है, 45 का आंसर देख बताइए यानी कि अभिराग 45 का क्या है, अभिनव राग मंजरी के लेखक कौन है,
तो ए में है आपको पंडित पटवर्धन, पंडित ओंकारनाथ ठाकुर, सी में पंडित भातखंडे और डी में पंडित रमाश्रय झा। यानी कि अभिनव, अगर बात किया जाए अभिनव रागमंजरी पुस्तक के लेखक है, तो चारों में से मुझे तो एक भी लग रहा है जो इन्हें चारों में से कोई नहीं है, ठीक है। क्योंकि अभिनव रागमंजरी पुस्तक के लेखक जब पुंडरीक विट्ठल हैं, कौन है यानी कि इसके लेखक है आपको पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि अभिनव रागमंजरी के लेखक कौन है, पुंडरीक विट्ठल है, परंतु आपको इसमें आंसर नहीं दिया हुआ, इसलिए इसका भी आपको दोनों यानी कि जो बनाए होंगे कोई भी दिए होंगे उसका एक नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा, चाहे गलती बनाए हो चाहे सही, इसका आंसर आपको सही सही मिलेगा। चलिए 45 नंबर का क्वेश्चन में चलते 46 पर। किस राग के आरोह में ऋषभ और धोवत वर्जित है, तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, यानी कि किस राग के आरोह में ऋषभ और धोवत वर्जित हैं, यानी कि यमन हो जाएगा, यानी कि 46 का सी दर आया था। चलते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। धमार ताल में खाली किस मात्रा पर है, तो 47 का आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 8। क्वेश्चन 48 है, निम्न में से पखावज वादक कौन है, तो यानी पंडित रामाशीष पाठक हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। किस ताल में दो विभाग होते हैं, तो दीप चंडी रूपक कहरवा, तीन ताल का जगह डी यानी कि कहरवा। क्वेश्चन चलते हैं 50 की ओर। ताल में निःशब्द क्रिया कौन सी है, तो 50 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जानेंगे क्या हो जाएगा, डी होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, है ना। ताल शब्द में निःशब्द जो होता है कला होता है, परंतु इसमें नहीं दिया हुआ है ना कला, ताली खाली शब्द दिया हुआ है, इसलिए 50 का डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्रमिक पुस्तक मालिका के लेखक कौन है, तो 51 का राइट आंसर यानी कि एक हो जाएगा भातखंडे। क्वेश्चन नंबर 52 है, डॉक्टर एन राजमन, डॉक्टर एन राजम कौन सा वाद्य बजाते हैं, तो 52 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि वायलिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। राग देश का वाद्य संभाई क्या है, तो 53 का आंसर आपका हो जाएगा यानी कि बी यानी कि रे प। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 की ओर। चार ताल में कितने विभाग होते हैं, जानेंगे तो क्या होता है, ए हो जाएगा यानी कि चार होते हैं, 2+2 यानी कि दो दो का दो जोड़े चार होगा, है ना। चलते क्वेश्चन नंबर 55 में राग केदार का ठाट क्या है, तो 55 का राइट आंसर आपका यानी कि ए हो जाएगा कल्याण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते 56 की ओर। ताल तिलवरा में कितनी मात्राएं होती है, 56 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा यानी कि 16 हो जाएगा। 57 पंडित भीमसेन जोशी का संबंध, किस विद्या से है, तो 57 का हो जाएगा आंसर आपका बी यानी कि तबला से। क्वेश्चन 58 है, राग खमाज का वाद्य स्वर कौन सा है, तो 58 का आंसर होगा यानी कि बी ग। क्वेश्चन नंबर चलते 59 की ओर। अचल स्वर कौन सा है, तो 59 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा यानी कि प। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न से भारत रत्न से विभूषित है, कौन है, पंडित रविशंकर के उत्साह जाकर हुसैन, पंडित किशन देने, तो बस मैं आपको आंसर बताने के लिए बोला था ना, बस आंसर बताऊंगा तो। लेकिन इनमें से भारत रत्न से विभूषित कौन है, तो पंडित रविशंकर। तो इनको कब मिला था, तो 1999 में भारत रत्न की उपाधि दिया गया था किनको, पंडित रविशंकर को। चलते कुछ समय 61 की ओर। चार ताल में कितनी तालियां होती है, देने चार ताल में कितनी तालियां होती हैं, बताइए इसका आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। मैं एक बस क्वेश्चन आप लोग छोड़ता हूँ। क्वेश्चन 62 है, पंडित अनोखेलाल का संबंध किस घराने से है, जानेंगे बनारस। चलते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। शुद्ध और कोमल मिलाकर कुल स्वर होते हैं, कितने होते हैं, 63 का हो जाएगा डी यानी कि 12। चलते क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। अनाहत नाद किसे कहते हैं, तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका सी अव्यक्त ध्वनि। क्वेश्चन 65 है, कौन सा राग बिलावट ठात का है, तो 65 का आंसर हो जाएगा यानी कि ए यानी कि बिहाग। क्वेश्चन 66 है, किस राग में गंधार और निषाद कोमल है, तो 66 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि बिहाग। क्वेश्चन चलते हैं 67 की ओर। त्रिवा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 67 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी कि 7। क्वेश्चन नंबर 68 है, ठुमरी गाय के साथ कौन सा ताल बजाता है, तो 68 का आंसर हो जाएगा डी यानी कि सुरताल। क्वेश्चन 69 है, राग बिहाग में कौन सा निषाद लगता है, तो 69 का आंसर हो जाएगा सी यानी कि ए और बी दोनों। अंतिम 70वां क्वेश्चन है, कौन सा राग अपराह्न काल में गाया बजाया जाता है, तो 70 का आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा डी यानी कि भीमपलासी। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को यानी कि 70 क्वेश्चन करवा दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल पहले बार जरूर चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।
चलिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।